तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं ये है पीछे मेरे खिटौरा का सबसे फेमस टेम्पल, जिसे आप देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है, इसकी तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है यार, वास्तव में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हो महटौली यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम आए हैं खिटौरा टेम्पल, जो जय गुरुदेव टेम्पल के नाम से फेमस है। तो आज पूरे मंदिर का ब्लॉग दिखाएंगे एंड बहुत ही ऑसम टेम्पल बना हुआ है खिटौरा में, जैसा कि आप देख सकते हैं भाई, वंडरफुल व्यू है यार, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो यहाँ की खूबसूरती एंड व्यू है, आउटस्टैंडिंग व्यू है यार सच में। तो वेल दिखाएंगे आपको फुल व्लॉग, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे, यहाँ पे मतलब कुछ व्यू आता है सामने से, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से लोग घूमने आते रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है। एंड यहाँ पे जो टेम्पल वाइट संगमरमर से बनाया गया है, यहाँ का जो व्यू आता है ना वो आउटस्टैंडिंग व्यू है। और आप देख सकते हो यहाँ जो ग्रीनरी है काफ़ी अच्छे से मैनेज की गई है, एंड यहाँ पे वाटरफॉल एंड बहुत कुछ अच्छा अच्छा व्यू दिखाने के लिए अच्छे से मैनेज किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं ये है पीछे मेरे खिटौरा का सबसे फेमस टेम्पल, जिसे आप देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है, इसकी तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है यार, वास्तव में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। फ्रेंड्स अभी मेरा दोस्त कुछ बोलना चाहेगा आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब के लिए। दोस्त कुछ लाइक सब्सक्राइब के लिए महाकाल की कृपा से। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटा दबाइए। महाकाल की कृपा से 5000 लाइक आ जाने चाहिए, नहीं तो मां कसम करके अंदर टोकूंगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं आप कि हमारे भाई लोग अभी यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं और वीडियोग्राफी भी साथ में हो रही है। तो यहाँ पे अच्छे से फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा ब्लॉग होने वाला है। तो काफ़ी अलग अलग एंगल से वीडियो एंड फ़ोटो ली जा रही हैं, तो काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला है आपको। वेल आप देख सकते हो यार ऑसम व्यू है, एंड सब कुछ अच्छे से मैनेज किया गया है यहाँ पे। एंड भाई जय गुरुदेव की जय हो। फ्रेंड्स आइए हम चलते हैं अंदर मंदिर के और दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई के साथ बनाया गया है, एंड यहाँ पे वाइट संगमरमर का यूज़ किया गया है यहाँ पे बनाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा एक व्यू आता है और अच्छे से सब कुछ यहाँ पे वाटरफॉल है, एंड लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था की गई है, एंड सब कुछ अच्छे से मैनेज किया गया है यार, मस्त है। एंड ग्रीनरी आप देख सकते हैं, ग्रीनरी सभी जगह पर अच्छे से बनाई गई है, अच्छे से स्टाइलिश और कटिंग वाली जो भी ग्रीनरी है। एंड ये यहाँ के जो आप देख सकते हैं यहाँ पे पास में ही कुछ घर भी बने हैं यहाँ पे जो भी लोग रहते होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। इन फ्यूचर मैं दोबारा भी आ सकता हूँ, इन फ्यूचर ज़रूर आएंगे। तो काफ़ी ऑसम व्यू आ रहा है। और ये क्या है, आई थिंक वेल है, कोई कुआ है यहाँ पे, अच्छे से इसको कवर कर रखा है, बट ठीक है कोई बात नहीं। बट ये हमारे मनीष भाई कैमरा से मेरी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, हम कैमरे लेके आए हैं। आइए हम चलते हैं अंदर, और ये है फ्रंट गेट मंदिर का, यहाँ पे काम चल रहा है अभी, तो उसे इग्नोर करते हुए हम लोग चलते हैं अंदर। तो ऐसा कुछ अंदर से यहाँ पे व्यू है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा वाइट संगमरमर से यहाँ पे सजाया गया है, यहाँ पे सभी जगह संगमरमर का यूज़ किया गया है पूरे मंदिर में। और ये हैं गुरुदेव हमारा,
तो फ्रेंड्स आइए हम चलते हैं पीछे, यहाँ पे भीड़ होने लगी है। वैसे इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है बट हाँ नॉर्मल भीड़ रहती है यहाँ पे। तो यहाँ ये बैक साइड में ऐसा कुछ है, आप देख सकते हो ऐसा कुछ नज़ारा है पीछे से। ये मंदिर के बैक साइड का नज़ारा है। वेल फ्रेंड्स यहाँ पे भी ग्रीनरी काफ़ी अच्छे से लगाई गई है एंड बैक साइड से ऐसा कुछ व्यू है खेतौरा टेंपल का। ये हमारे मनीष भाई एंड सुपर भाई, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से सब कुछ मैनेज किया गया यार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, क्या ही बताऊँ, मतलब आउटस्टैंडिंग। वेल फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं मींस यहाँ पे जो यहाँ पे ग्रीनरी की कटाई कर रहे हैं एंड यहाँ पे अच्छे से पेड़ पौधे लगाए गए हैं, तो बहुत अच्छा एक व्यू आता है इससे ग्रीनरी से। और अभी कटाई चल रही है तो आने वाले टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और अच्छा टेम्पल होने वाला है यहाँ पे। एंड इसमें आई थिंक टाइम से पानी नहीं लगाया गया तो इसकी जो ग्रीन ग्रास थी वो सूख चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल मतलब ख़राब हो चुकी है ये ग्रास जो भी थी। यहाँ पे काम चल रहा है अभी, तो देख सकते हैं यहाँ भी रखे हैं और यहाँ पे रहने के लिए आई थिंक व्यवस्था भी की गई है, यहाँ पे घर भी आई थिंक बनाए गए हैं रहने के लिए जो भी यहाँ के लोग होंगे तो उसके लिए यहाँ पे आवास बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रीनरी वर्ड हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी एंड आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड व्यू है। ये देखो इस साइड से सूरज है तो शायद आपको अच्छे से ना दिखे। वेल हम चलते हैं अंदर एंड आपको अंदर का व्लॉग पहले से मैंने दिखा दिया है। तो यहाँ पे जय गुरुदेव जी का एक स्थान है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे दान पेट का एक रखी है, यहाँ पे आप दान कर सकते हो जो भी आपकी श्रद्धा हो एंड ऐसा कुछ अंदर से यहाँ का व्यू आता है यहाँ के जो जय गुरुदेव की जगह है एंड ऐसे अंदर से कुछ व्यू है यहाँ का। ये हमारे मनीष भाई एंड सुपर भाई का फोटो शूट करते हुए। और ये कैसे फोटो है यार, देखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे इस मंदिर का गेट बन रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे गेट बन रहा है, यहाँ पे जो अंकल जो है यहाँ पे देख रेख करते हैं और यहाँ पे काम चल रहा है अभी। तो यहाँ पे देख रहे हो अभी आप यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट या फिर बहुत सारे लोग वीडियोस बनाने आते हैं और भीड़ डेली ऐसी होती रहती है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ व्यू है एंड काफ़ी अच्छे से लोग अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ एंड पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। फ्रेंड्स मंदिर पे आने के लिए यहाँ पे रोड की साइड से दो गेट लगाए गए हैं, आप यहाँ से भी आ सकते हैं एंड बैक साइड से भी एक गेट है तो वहाँ से भी आप आ सकते हैं अंदर। तो हम लोग चलते हैं घर की ओर और मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में महाकाल कृपा से। लाइक करो चैनल को एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, नहीं तो महाकसम घर के अंदर ठोकूं।